हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं वर्ल्ड रिपोर्ट। राजस्थान के 1,10,000 संविदा कर्मियों में से कितने परसेंट संविदा कर्मी नियमित हो रहे हैं, कब तक नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी कंप्लीट हो जाएगी, कितने वर्ष के कार्य अनुभव वाले संविदा कर्मियों का नियमितीकरण होगा, क्या 9 वर्ष से कम वाले संविदा कर्मियों का नियमितीकरण होगा या नहीं होगा, तमाम जानकारी आज की इस खबर में आप लोगों को मिलेगी। क्योंकि हम आपको बता दें कि संविदा कर्मियों के मसीहा कहे जाने वाले शख्स शमशेर भालू खान, वो हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलकर आए हैं और वो बताएंगे कि आखिर संविदा कर्मियों के नियमितीकरण कब तक कंप्लीट हो जाएगा और कितने वर्ष के कार्य अनुभव वाले संविदा कर्मियों का नियमितीकरण होगा। संविदा कर्मियों से जुड़ी तमाम जानकारी आज की इस खबर में आप लोगों को मिलेगी। तो चलिए लिए चलते हैं आप लोगों को सीधे लाइव सेशन में और दिखाते हैं और सुनवाते हैं कि आखिर राजस्थान के संविदा कर्मियों के मसीहा शमशेर भालू खान क्या कुछ लाइव आकर के कह रहे हैं। तो चलिए खबर को अभी ही एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं, प्रक्रिया जो चल रही है मतलब आप लोग इससे वाकिफ हो गए हैं और आपके लिए फाइनल बैठक है उसका भी आयोजन कर दिया गया है। काफ़ी साथी मैसेज करते हैं कि कुछ बताएं कुछ बताएं। मेरा मानना है कुछ नहीं बताना ठीक है। बहुत सारी बातें जो अंदर होती हैं उनको सजा के फूल पत्ती लगा के अपना फोटो डाल के यदि हम वायरल करते हैं बात बताते हैं तो ये तंत्र के अनुसार अच्छा नहीं। इतना मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आप लोगों के लिए और हम लोगों ने मिलकर संघर्ष किया उसका अंतिम पड़ाव निकटतम है और जैसा कि हम लोगों ने काली दिवाली मनाई थी या अन्य त्यौहार जो वहाँ मनाए थे, शबे बारात भी वहीं मनाई थी, हमारी बहनों ने करवा चौथ का व्रत वहीं रखा था। आने वाले दिनों में आप लोगों के लिए ईश्वर करे जल्द जैसे हमने दिवाली मनवाई थी मनाई थी काली दिवाली वैसे ही हम दीये दिए जला कर और खुशियाँ मनाएं। मैं आपसे इतना निवेदन जरूर करता हूँ कि आप किसी को याद रखें न रखें लेकिन जो मुश्किल परिस्थितियों में मुश्किल समय में आपका साथ देता है, दुख की घड़ी में जब आपके कोई साथ होता है आप खुशी के दिनों में उसको नहीं भूल जाते। काफी ग्रुपों में देखता हूँ दुख भी होता है तकलीफ भी होती है अफसोस भी होता है कभी कभी मन चिड़चिड़ा भी होता है कि कैसे लोग हैं। कहते हैं कि एक चिड़िया को जब हम पानी पिलाते हैं वो तो चिड़िया भी हमारा धन्यवाद करने के लिए हमें बार बार टुकड़ के देखती है और हम इंसान होकर के हमारे ऊपर किए गए एहसानों को भूल जाते हैं। ये बड़ी दुखद बात। सरकारें काम क्यों नहीं करती हमारा कभी सोचा है? सरकारें इसलिए काम नहीं करती हैं कि हम सरकारों के द्वारा किए गए अच्छे कामों को अच्छी बातों को उनके द्वारा दिए गए तोहफों को भूल जाते हैं और हमें याद रहता है अपनी जाति अपना धर्म अपना विश्वास और कुछ